ओम शांति। मनसा सेवा, मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान एक टाइटल है, एक स्वमान है, एक स्थिति है। मास्टर सर्वशक्तिवान को बाबा ने कहा एक टाइटल है, एक स्वमान है और एक स्थिति है। तीन चीजें हैं, ठीक है। नंबर एक, मास्टर सर्वशक्तिवान ये स्थिति कोई काम नहीं, ये अवस्था कोई काम नहीं, ये श्रेष्ठ स्थिति भी है। साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है, तो ये परमात्म टाइटल है। इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। मास्टर सर्वशक्तिवान, इसमें कितनी खुशी बस भरी हुई है। ये बाबा ने 29 अक्टूबर 1987 को कहा। शक्तियों का के अनुभवी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। ये बाबा ने 1 फरवरी 1980 को कहा। नंबर तीन, सबसे श्रेष्ठ स्वमान कौन सा है, मास्टर सर्वशक्तिमान। ये बाबा ने 31 मई 1977 को, अलग अलग दिन, तीनों की डेट अलग। नंबर चार, अनुभवी अथॉरिटी वाली आत्मा सदा अपने को भरपूर आत्मा अनुभव करेगी। निर्णय शक्ति, सहन शक्ति व किसी भी शक्ति से खाली नहीं होंगे, खाली नहीं होंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, वैसे ज्ञान गुण शक्तियां सबसे भरपूर। इसको कहा जाता है मास्टर ऑलमाइटी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। सभी माल के क्या हैं, अधिकारी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्ति शक्तिमान। मास्टर ऑलमाइटी मतलब मास्टर सर्वशक्तिमान, अथॉरिटी है। ये बाबा ने 30 मार्च 1983 को कहा। पांचवा पॉइंट है इसमें, इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति की प्राप्ति वरदान रूप में वर्षे के रूप में है। जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन कौन सी चार शक्तियां हैं, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और चौथी कौन सी है, संबंध की शक्ति। मेरे इतने संबंधी हैं, मेरा फलाने से संबंध है, मिनिस्टर से, जो भी हाई अथॉरिटीज, उसकी भी ताकत होती है ना, उसका भी नशा रहता है। चारों शक्तियों की
बाबा क्या कह रहे हैं, चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में। ये चारों शक्तियां भी कैसे प्राप्त हुए, वरदान रूप में, कौमा है फिर वर्षे के रूप में, वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में, क्योंकि जब बाबा से, बाप से मिलेगा वर्षा और गुरु से मिलेगा वरदान। जहां चारों प्रकार की शक्तियां हैं, प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति मास्टर सर्वशक्तिमान। देखो शक्ति किसको कहेंगे, चार शक्तियां चाहिए ना भाई, किसी के पास्तान की शक्ति नहीं है तो सर्वशक्तिमान थोड़ा हुआ। आगे आएगा, डिटेल में जाएंगे बाबा। अभी जो बाबा ने अपने अपने टाइम पर जो समझाया, कुछ नयों को समझाना है, कुछ डीप समझाना है, तो जैसे जैसे बाबा ने समझाया तो बाबा के महावाक्यों को हमें समझना है ना। आप आगे आगे आएगा ना, क्योंकि नोन टू अननोन की तरफ जाना है ना, स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है ना। तो बाबा ने समय समय पर जैसे बताया तो उसके हिसाब से हम इसको देखें। भाई सारी शक्तियां होंगी तो उसको कहेंगे सर्वशक्तिमान। आपके पास दो शक्तियां हैं, एक नहीं है, तो वो सर्वशक्तिमान कैसे होगा। सर्व माना सारी, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, इसी को ही दूसरे शब्दों में स्वयं के राजे, स्वराज्य अधिकारी, स्वयं के राजे व राजयोगी कहा जाता है। ये बाबा ने कहा 29 अक्टूबर 1987 को। अब नोट करना है, जो आज की बात है उनमें से नोट करने की बात है, कोई भी शक्ति की कमी हुई तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहे, हमें याद रखना है ना। कोई भी शक्ति की कमी है, एक भी शक्ति की कमी है, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। अगर एक की भी शक्ति, एक भी शक्ति कम रही तो शक्तिवान कहेंगे या सर्वशक्तिवान। शक्ति सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। बुद्धि से समझना है ना बाबा समझाना जो चाह रहे। तो 11 अप्रैल 1981 को ये बाबा ने कहा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।